नमस्ते दोस्तों, हमारी चैनल फलहार नोमाड्स में कैंप लुंगता से आपका स्वागत है। आपको लग रहा होगा कि मैंने ये क्या पहना है, ये हिमाचली ड्रेस है, यहाँ का लोकल ड्रेस है, ये शादियों में पहना जाता है। लुमता में बहुत भूख लगी है, जल्दी जल्दी बुलाते हैं राधा जी को, हमें कुछ खाने को दे। और मैं बता दूं, यहाँ पे हमें प्योर हिमाचली खाना सर्व किया जा रहा है। नमस्ते मैम। नमस्ते, नमस्ते। चने माँ की दाल है, चने की, चने माँ, चने माँ, हाँ जी, पीले चने और काले माँ, काले माँ, हाँ जी। अच्छा, वो मिक्स किया हमने, हिमाचली टेस्ट आएगा इसमें। अच्छा जी माँ, ओके। अच्छा, मुझे लगता है उरद और चना दोनों है ना? नहीं, उरद अलग होती है। अच्छा, ये अलग होता है? ये अलग होता है। अच्छा, यहाँ का लोकल स्टेपल फूड है ये? हाँ जी। ओके ओके जी, ठीक है। तड़का किससे लगाया? ये तड़का मैम जैसे लगता है सरसों के तेल के साथ ही लगाया। अच्छा, लहसुन और प्याज, लहसुन प्याज, टमाटर, हाँ जी, और फिर जो जो मसाला पड़ता है इसमें वो सारा। ठीक है, फिर रेगुलर मसाला जी मैम। ठीक है, चलो मैम। नमस्ते। नमस्ते पम्मी जी, क्या लाए आप? ये है प्याज की सब्जी। अच्छा, ओके। प्याज की हरी सब्जी। प्याज की हरी सब्जी, तो प्याज के साथ ये जो हरा हरा दिख रहा है वो? हाँ, ऊपर जो प्याज में ग्रीन ग्रीन नहीं लगता। अच्छा अच्छा, स्प्रिंग ऑनियन की, स्प्रिंग ऑनियन की सब्जी। अच्छा अच्छा, देख अच्छा, बहुत टेस्ट दिख रही है, एकदम चटपटा सा इसका कलर दिख रहा है। जो सीखना पड़ेगा गुजराती में से कुछ, ये बहुत टेस्टी होता है, तिखा रही ऐसे बने। अच्छा, हाँ जी। क्या नाम बताया इसका? रेडू। रेडू, 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 हाँ जी, दही का मैम। जीरा है? हाँ, जीरा और सूखा धनिया, बस इसी, बस इतना ही। अच्छा अच्छा, ये मुझे रेसिपी मुझे सीखनी पड़ेगी आपसे। बहुत आसान है। अच्छा, ये दही के साथ और क्या इसमें ये मिक्स किया है? मैं दही को ऐसे थोड़ा ये खिलाया है और फिर थोड़ा सा हल्दी, हल्दी डाला है इसमें और सरसों में फिर तड़का लगा दिया। हाँ, ठीक है, सिंपल है लेकिन टेस्टी होगी। हाँ, बहुत टेस्टी है। और आ गई गर्मा गर्म चपाती, रहा नहीं जाता और फट खाना शुरू करते थे। चलो चलो, क्या है ये? है खीर। खीर है? अच्छा, चावल, चावलों की खीर, चावल और ड्राई फ्रूट लग रहा है। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा अच्छा, ओके, चलो खीर खाई जाए। कैंप लुंगता की बहनें आज हमारे लिए फोक डांस, जो कि गद्दी डांस के नाम से जाना जाता है, और कुछ गाने भी गाएंगे। तो हमने उनको बोला आज हमारे लिए आप रेडी हो जाओ, तैयार हो जाओ अपने पोशाक में।
जो गाना गाने जा रहे हैं हम हिमाचली, ये हमारे परिवार और जो अपने भाई बंधु के लिए गाते हैं, ये हमारी शादी ब्याह जो भी होते हैं उसमें हम अपने मनोरंजन के लिए गाना पेश करते हैं। लाल तेरा साफाओ भोरा, लाल तेरी कलगी हो, लाल तेरा कलगी हो भोरा, मोरी बाणी रहंदी हो, तथा तेरा चोरा काला डोरा हो संभुआ ते सोठी हो, चिट्टा तेरा चोरा काला डोरा हो संभुआ हते सोठी हो, हते सोठी हते मेरी ये जानी हो संभुआ हते सोठी हो, बेत दरिया दाईया उजाड़े हो शंभु तो मार बैड़ी हो, भेड़िया खाई उजाड़ हो शंभु जो मार बैड़ी हो, मार बैड़ी मार मेरे जानी हो शंभु जो मार बैड़ी हो, चिट्टा तेरा चोरा काला डोरा हो संभुआ ते सोठी हो, तेरे तताए फूल के बनाए हो संभुआ खाई जाया हो, तेरे तताए फूल के बनाए हो संभुआ खाई जाया हो, ओ मेरी ये कूजी केरी ये डाली है तू झूले वाला झूले हो, ओ मेरी ये कूजी केरी ये डाली है तू झूले वाला झूले हो, ओ मेरी ये अम्मा बापू दी जोड़ी है तू जुगे वाला जिए हो, ओ मेरी ये अम्मा बापू दी जोड़ी है तू जुगे वाला जिए हो, ओ मेरी ये कूजी केरी ये डाली है तू झूले वाला झूले हो, ओ मेरी ये कूजी केरी ये डाली है तू झूले वाला झूले हो, ओ मेरी ये भाई भाभी दी जोड़ी है तू जुगे वाला जिए हो, ओ मेरी ये भाई भाभी जोड़ी है तू जुगे वाला जिए हो, ओ मेरी ये कूजी केरी ये डाली है तू झूले वाला झूले हो, ओ मेरी ये कूजी केरी ये डाली है तू झूले वाला झूले हो। बिच्छू बूटी ने छू छू लिया या मैंने छू लिया उसे गलती से, देखो ये कैसा कैसा हो रहा है, देखो ओ ये तो जैसे वो आकाश में वो स्टार्स दिखते ना ऐसा अच्छा तुम्हें मुझे या जलन हो रहा है, तुम्हें स्टार दिख रहे, ये सारा कम हो जाएगा, इसको घिसो इससे। आइए मेरे साथ, मैं आपको कुछ दिखाती हूँ। हरीश आ जाओ इस साइड, कुछ है दिखाती हूँ, इस साइड आ जाओ कुछ दिखाती हूँ, सरप्राइज। भाई
चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि स्लेट जिन पत्थरों से बनती है, मतलब वो बड़ा पत्थर होता है, वो कैसे दिखता है। तो ये देखिए ये इसकी परत है। मतलब तो इन परतों को काटा जाता है और उससे इस तरह की स्लेट बनती है, मतलब जो रूफ में काम आती है, फर्श पे काम आती है और दीवारों में भी लगती है। तो अलग अलग उपयोग है और उस हिसाब से, उपयोग के हिसाब से वो काटी जाती है। तो दोस्तों, हम लोग आ गए हैं ऐसी जगह जहाँ पर ये स्लेट का काम चल रहा है और यहाँ पर एक भाई साहब है जो स्लेट कटिंग कर रहे हैं। तो आइए उनसे मिलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ये किस तरह अलग अलग साइज में, अलग अलग थिकनेस में ये कटाई करते हैं। तो आइए मिलते हैं। नमस्कार भाई साहब। नमस्ते जी। नमस्ते। आपका नाम क्या है? मेरा नाम करतार चंद है जी। तो करतार चंद जी, मुझे बताइए कि आपने ये काम कौन सी उम्र से शुरू किया? मैंने 16-17 साल की उम्र में काम शुरू कर दिया है। और तब से आज तक यही कर रहे हैं? हाँ जी, यही कर रहे हैं। और आपके पास जो साधन है वो हमें दिखाएंगे क्या, और उसको क्या बोलते हैं वो हमें जरा बताइए। उसको बोलते हैं हथौड़ा। हाँ। और इसको बोलते हैं हम टंकी। थोड़ा उसकी तरफ बताइए, देख ऐसा हथौड़ा और टंकी बोलते हैं इसको। हाँ हाँ। और ये जो सब टंकी है क्या? हाँ जी, हाँ जी, ये सब टंकी है। तो ये आपके मुख्य साधन है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और इसी से आप इसकी, इसको पतला बनाते हैं? हाँ जी। फिर आपने जैसे हमने आगे पूछा किसी एक भाई साहब को, तो वो साइज के हिसाब से काट के फिर नीचे मंडी में ले जाते हैं, वहाँ बेच देते हैं। हाँ जी, हाँ जी। चलो, बढ़िया, आपसे मिलकर खुशी हुई। धन्यवाद। धन्यवाद और जय हिंद। जय हिंद।